नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीए यूजीसी नेट जून 2020 के एग्जाम का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का कट ऑफ और जिसका पेपर कोड है 005। और आपको हम बता दें कि यह एक अनऑफिशियल कट ऑफ है जो कि बनाया गया है एस्पिरेंट्स के फीडबैक के आधार पर, प्लस आपके करंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, प्लस डिफिकल्टी लेवल के आधार पर। साथ ही साथ डेटा को यानी कि कट ऑफ को और भी वैलिड बनाने के लिए हमने सपोर्ट लिया है आपके सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम ये कहना चाहते हैं कि इस कट ऑफ के आधार पे कोई भी आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है, और ये सिर्फ एक एवरेज है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका स्कोर इन कट ऑफ के करीब आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा गुड फील करिएगा, सेफेस्ट फील करिएगा। और अगर इस कट ऑफ से आपका स्कोर टोटल परसेंटेज अगर काफ़ी नीचे आ रहा है, 3% 4% नीचे आ रहा है, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन अभी से जारी रखिएगा, मतलब रोकिएगा नहीं। तो चलिए आज की वीडियो के मेन पार्ट पे चलते हैं, आपके कट ऑफ पे चलते हैं और बातें वहीं करते हैं आपके साथ। तो यहाँ पे है आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का कट ऑफ। और सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लें तो यहाँ पे अगर आपका स्कोर 64% के पास जा रहा है तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे आपके जेआरएफ के। अगर इससे आपका स्कोर 3 या 4% ऊपर चला जाए तो आपके चांसेस 99.99% आपके हो जाएंगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्लस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का। बात करें सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का तो 56% से ऊपर ही आपका चांसेस जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का यानी कि नेट का। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात कर लिया जाए आज की वीडियो में तो 63% से ऊपर या कहें तो 62% से ऊपर ही आपके मोर चांसेस रहते हैं जेआरएफ के प्लस नेट के। आगे अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो 55% से 56% के बीच में ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के यानी कि नेट की। ओबीसी कैटेगरी की बात कर लें तो यहाँ पे 59% से नीचे के चांसेस बहुत ही लेस आ रहे हैं, तो इससे ऊपर के चांसेस ज़्यादा आपके रहेंगे जेआरएफ के नेट के। एंड 51 के ऊपर अगर आपका स्कोर रहता है तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के यानी कि नेट के। एससी कैटेगरी की बात करें तो 58% से ऊपर अगर आपके स्कोर जा रहे हैं तो चांसेस मजबूत रहेंगे आपके जेआरएफ के नेट के। एंड 50% से ऊपर स्कोर अगर आपके जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा चांसेस रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। एसटी कैटेगरी की बात कर लें तो यहाँ पे 57% से ऊपर स्कोर आपका अगर जा रहा है तो बहुत ही अच्छा चांसेस यहाँ के आपका बन जाएगा जेआरएफ के लिए प्लस नेट के लिए। अगर आपका यहाँ पे यहाँ पे 48% जो आपका स्कोर अगर बनता है तो आपके चांसेस रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के ज़्यादा। लेकिन अगर 49 से या 50 से ऊपर आपका स्कोर चला जाता है तो आपकी स्योरिटी जो है 99% से ऊपर रहने की ज़्यादा संभावना हो जाएगी कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल आप क्रैक कर लेंगे। आगे बात करें पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ की यानी PWD कैटेगरी की, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके अलग अलग कैटेगरी हो जाते हैं। तो एक एवरेज यहाँ पे हमने आपका कट ऑफ यानी तय किया है जो एक्सपर्ट के सहारे से बनाया गया है, क्योंकि आपको हम बता दें कि हमारा जो पेपर है, आप कहेंगे मैं क्या यहाँ पे पढ़ाता हूँ या किसके लिए वर्क करता हूँ, तो मेरा जो वर्क है पेपर 1 के लिए है और प्लस पेपर 2 के लिए है जो है एजुकेशन सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ हम लाते हैं तो स्टूडेंट के फीडबैक के आधार पर जो उन्होंने एग्जाम दिया था, प्लस जो एक्सपर्ट हैं, प्लस आपके जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर हुए हैं, ठीक है, उसके डिफिकल्टी लेवल के आधार पर यहाँ पे आपके तय किए जाते हैं कट ऑफ, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए 40% से ऊपर यानी कि 40% से ऊपर जिनके स्कोर रहेंगे तो चांसेस रहेंगे जेआरएफ के। इससे ऊपर जितना ही आपका स्कोर रहे तो बेटर रहेगा, गुड रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, इससे नीचे के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। आपकी बात कर लिया जाए कि 36% से अगर ऊपर या 30
7% से ऊपर अगर आपका स्कोर रहता है तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपके पास कोई फीडबैक है बेहतर वीडियो और भी करने के लिए या कोई भी अदर सब्जेक्ट के लिए कि हम और आपके लिए लेके आए कट ऑफ, तो कमेंट करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सब्जेक्ट के अगर टीचर या जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे अगर हमें डेटा मिल जाएगा तो 100% आपके लिए हम कट ऑफ ज़रूर लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।